City News. टीवी चैनल उजाला सिटी न्यूज की अपार सफलता के बाद अब उजाला परिवार आपके लिए ला रहा है हिंदी समाचार पत्र उजाला सिटी, संपूर्ण खबरों का खजाना। कमिंग सून उजाला सिटी हिंदी न्यूज़पेपर। पहले एक नज़र राजधानी की हलचल पर। तीन चरणों में संपन्न होगा निकाय का चुनाव, अति संवेदनशील केंद्र चिन्हित करने का निर्देश। धरना प्रदर्शन के लिए लेनी होगी अनुमति, राज्य सरकार ने जारी किया नया फरमान। पुलिस महकमे में फिर होगी नई भर्ती, इस बार 41,000 सिपाहियों की भर्ती का लक्ष्य। गरीबों को मिलेंगे छोटे गैस सिलेंडर, 2015 तक 75% लोगों को मिल जाएगी गैस। अभियंता रोज टेस्ट करेंगे पानी के नमूने, जल संस्थान के महाप्रबंधक ने जारी किया आदेश। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज, राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर 1 न्यूज चैनल। नमस्कार लखनऊ, उजाला सिटी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। पेश है आज के प्रमुख समाचार और विशेष कार्यक्रम। पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजधानी में भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन। विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने दिया धरना। अलीगंज पुलिस ने पकड़ा लूटपाट करने वाला गिरोह। एक मई को लखनऊ नहीं आ रहे हैं अन्ना हजारे। मेहमान प्रवीण चंद्रा लेखक। खेल विशेष में महिला हैंडबॉल। स्पेशल स्टोरी में भक्ति के सागर में डूब गया सेंट जोसेफ स्कूल का प्रांगण। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम, विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विशेष जानकारियाँ। रविवार कारोबार, सोमवार कला संस्कृति, मंगलवार आपकी सेहत, बुधवार विज्ञान, गुरुवार उजाला अग्नि मंच, शुक्रवार खेल विशेष, शनिवार मनोरंजन। विशेषज्ञों द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो विशेषज्ञों का अपना मत है, इसमें उजाला सिटी न्यूज का कोई मत शामिल नहीं है। अब देखिए खबरें विस्तार से। संसद की लोकलेखा समिति की बैठक के विरोध में आज भाजपा के प्रदर्शन के दौरान विधानसभा मार्ग पर जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार छोड़ी। जिला प्रशासन ने 150 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की है। दिल्ली में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के संबंध में गुरुवार को सांसद की लोक लेखा समिति की बैठक में हुए घटनाक्रम को लेकर आज भाजपा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता विधानसभा मार्ग स्थित पार्टी मुख्यालय पर इकट्ठा हुए, जहां से नारे लगाते हुए बाहर निकलने के बाद कार्यकर्ताओं ने कई राजनीतिक दलों का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों का आगे बढ़ने पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान नोकझोंक व पथराव हुआ। पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग करते हुए 150 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शनकारियों के नेतृत्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य शाही कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। उत्तर प्रदेश आवासीय विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ ने शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर आज लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में धरना दिया। महासंघ ने अपनी मांगों के संबंध में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में उत्तर प्रदेश आवासीय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ महासंघ के धरने का नेतृत्व संगठन के प्रदेश अध्यक्ष चितरंजन मिश्र ने किया। धरने में लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ, संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आदि संगठन शामिल हुए। महासंघ के सचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र मिश्र ने बताया कि शिक्षकों की एक लंबे अरसे से उपेक्षा हो रही है। धरना जो है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर्स यूनिवर्सिटी एसोसिएशन के द्वारा किया गया, संपूर्ण देश में आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।
इसके समर्थन में समस्त शिक्षक संगठन, उत्तर प्रदेश आवासीय विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ, लखनऊ यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन, लखनऊ यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय महाविद्यालय टीचर्स एसोसिएशन, काशी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी आदि सभी इकाइयां इसमें सम्मिलित हैं, उनके पदाधिकारीगण। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। अलीगंज पुलिस ने बंटी बबली की तर्ज पर ठगी व लूटपाट करने वाले एक गिरोह के सरगना अशोक सिंह को गिरफ्तार किया है। उसने कपूरथला पर प्लेसमेंट कंपनी खोल रखी थी। पकड़ा गया अशोक अपनी पत्नी सुषमा एवं दोस्त रोहित के साथ मिलकर वारदात करता था। अलीगंज थाने में बीटेक की छात्रा रेखा सोमवंशी ने मुकदमा दर्ज कराया था कि अशोक ने अपनी पत्नी व साथियों की मदद से साइट दिखलाने के बहाने उनका पर्स, लॉकेट, एटीएम, पैन कार्ड तथा सोने की 3 अंगूठियां लूट ली। पुलिस ने सर्विस लांस के जरिए अशोक का सुराग लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया। पत्नी सुषमा व दोस्त रोहित उर्फ सिद्धार्थ मौके से भाग निकले। पुलिस के अनुसार फरार लोगों की तलाश में पुलिस दल बनारस भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। इंडियन अगेंस्ट करप्शन के समन्वयक आर के अग्रवाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि 1 मई को अन्ना हजारे लखनऊ नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रस्तावित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि स्वामी अग्निवेश, अरविंद केजरीवाल और जसपाल भट्टी आदि कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए लखनऊ आ रहे हैं। प्रदेश में 1 मई को आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए इंडियन अगेंस्ट करप्शन के समन्वय आर के अग्रवाल ने बताया कि स्वामी अग्निवेश, अरविंद केजरीवाल व जसपाल भट्टी वाराणसी और सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ पहुंचेंगे। उन्होंने बताया कि पहली बैठक सेंट फ्रांसिस कॉलेज के हाल में सुबह 10 बजे होगी। दोपहर में 3 बजे सीएमएस गोमती नगर के हाल में मीटिंग तथा शाम 5 बजे झूलेलाल पार्क में जनसभा को आयोजित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, उजाला सिटी न्यूज। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा चरण सिन्हा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि मान्यता प्राप्त स्कूलों के बच्चों व शिक्षकों की मांग को लेकर संघ 18 मई से दिल्ली में प्रदर्शन करेगा। स्थानीय प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गा चरण सिन्हा ने कहा कि छात्रों को मौलिक सुविधाएं दिए जाने के साथ शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन देने की मांग उनका संगठन करता है। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर संघ 18 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन प्रारंभ करेगा। उत्तर प्रदेश में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे मान्यता प्राप्त विद्यालयों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब तक सौतेलेपन व्यवहार किया जाता रहा। एक तरफ जहां परिषदीय स्कूलों में बिल्डिंग के नाम पर, बिल्डिंग मरम्मत के नाम पर, कंप्यूटर और टीवी के नाम पर, सिलाई मशीन के नाम पर हजारों करोड़ रुपए अपव्यय किए गए, अधिकारियों ने लूटपाट किया, दूसरे तरफ इन शिक्षकों और छात्रों के भविष्य के साथ ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 जो केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया है, जिसमें संकल्प है कि 2012 तक पूरे भारत में शिक्षा की व्यवस्था सही